सो गाइस, तो मैंने आज बाल बाल पेकी की, तो मैंने आज दोस्त को पार्टी दिया है। सो ये मासू, ये रहा दोस्त, इनने कैमरा छोड़ दिया था यार दुकान में, दिक्कत ही हुई थी। तो अब हम इसको भून रहे हैं, देख सकते हो ये आप किसका मीट है आप खुद ही पता करो, ठीक है। देखो काय की मीट है आप खुद ही पता करो। सो हेलो एवरीवन, इट्स मी हुडा ब्लॉग। तो आज का वीडियो इतना खास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं पूरा 5 साल बाद मेरा अपना बाल फाड़ने जा रहा हूँ। सो मैंने बहुत मुश्किल से पाली थी, लेकिन मैंने बीच बीच में थोड़ा कटवाया था। तो अब देख सकते हो इतना लंबा बाल है, तो आज मैं फेंकने जा रहा हूँ, दाढ़ी वाली सेट करने जा रहा हूँ, है ना। तो मैंने काफ़ी मुश्किलों से ये पाला था, तो आज फेंकने जा रहा हूँ। देखो इसमें मेरा क्या कहती हूँ उसे, बहुत सारी इमोशनल जुड़ी हुई है ना, बहुत सारी है, दुख तो लगती है कि नहीं। 5 साल बाद कोई बंदा बाल फाले हैं कि नहीं कपाल, तो थोड़ा दुख तो हो जाती है, कोई बात नहीं, फिर वही अपनी घर की खेती है, बाद में उग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो देखो अब थोड़ी देर बाद दोस्त भी आ रहा है, अभी स्कूटी नहीं है, है ना, तो दोस्त का इंतज़ार है मुझे। तो हम बाल बाल फेंक के नहाने जाएंगे खुले में, तो आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो, बने रहना ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो बिल्कुल ज़रूर। सो देख लो ये भी 5 साल बाद फाल रहा हूँ, लेकिन बाल फालने के कारण तो था क्या कहते हैं सर, बाल तो टूट गए थे, बहुत काफ़ी टूट गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा फिर से फाड़ के फिर से उगाऊँ, क्योंकि बाल रफली, बहुत रफली देख सकते हो, बहुत रफली हो गया है, मेरे बाल बिल्कुल रफली जल गए हैं, जैसे लाइक देख सकते हो ना, समझ सकते हो, तो इसलिए मैं बाल पूरा फेंक रहा हूँ। तो थोड़ा रफली हो गया, पता नहीं, एक मेरे 2 साल पहले क्या कहते हैं इसमें, होली में मैंने रंग कराया था, 7 रंगी करा, तो उसकी वजह से पूरा बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं ना, तो ड्रॉपली भी हो गया, तो इसलिए बाल फलना ज़रूरी है। अब ठंड की मौसम भी है, बाद में दिक्कत भी हो जाएगी, भाई खुजली हो जाएगी, चाय वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए अभी साफ कर दूँ। तो बात यही है। सो ओके, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है ना, ना कि सैलून में कितना खाली है जगह, नहीं मिलेगा कि नहीं अपने को। तो देखो आज मूड बना है बाल फालने का, अगर आज नहीं फाल पाया तो पता नहीं कल परसों तो फाल ही नहीं पाऊँगा बिल्कुल। सो अभी मूड बनाया तो आज ही फेंक देता हूँ, है ना। सो ठीक है, तो गाइस हमारी सवारी हो चुकी है, दोस्त आ चुका है, तो बाल फालने जा रहा हूँ रेडी। सो हम जा रहे हैं पत्रकोट, देख सकते हैं दोस्तों के साथ, छोटा भाई है, वो हेलमेट जरा। सो अब थोड़ा दो वक्त लगेगा जाने में, है ना, जा दूर नहीं, 2 किलोमीटर का रास्ता है। सो चलो बाकी चलो चलो भाई, चलो चलो चंदूराम पिक्चर बैठी, चलो भाई छुपा मंदिर है, ये हमारा पत्रकोट जाने का रास्ता। सो आज शनिवार है, तो शनिवार बाजार लगती है, कुछ तूफानी कर दिया शनिवार, आज बाल बाल फालेंगे भैया, तो देखेंगे क्या होगा, देखते हैं कैसे गायब हो गया पटका, ऐसे ऐसे रहा तो पटका गुम हो गया बिल्कुल यार, पटका इसे कस्टर गायब हो गया, और कौन सा पड़ा हूँ मैं, हम आ चुके हैं पत्रकोट, तो देख सकते हो आप चुनाव का माहौल भी है। तो गाइस है हमारा नेपाली कांग्रेस, सो कांग्रेस की पकड़ बहुत मजबूत है, यहाँ देख सकते हो, पर थोड़ी कम है,
मेरी कोई दिक्कत नहीं है, आप हो रही है जो भी हो रही है। ये तो नहीं है लगता तेरा बंदा यहाँ पे। सो चलो सब आ गए भैया। बस 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 जाम क्या मिलते हैं वो हेलमेट हेलमेट है बेटा, तू हेलमेट ला दे। मैं दो वो दे आई जाए शांति। तो गाइज ये मैं हूँ, मेरा टांग है अमिलियंत पार। हम जा रही हैं बाल फालने। ओ भैया किस्मत बहुत बढ़िया, किस्मत बहुत बढ़िया, कोई नहीं है। चलो देखते हैं, खाली दुकान ही है, जल्दी कटाना पड़ेगा, फिर लगना पड़ेगा खोलने के लिए। सो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। कहाँ गए चलो मुन्ना? हाँ भाई सुबह हम सोलून में आ गए। पप्पा का बेटा, पप्पा को बुलाओ। पप्पा का है, अरे खाना खाने गए। तो गाइस बाल यही है, यहाँ सही से देखो बाल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टाइल भी है। कौन सा स्टाइल काटूँ बताओ जरा, है ना, कमेंट करना बेटा। सो अभी रुको जरा। हाय सो गाइस हम नाव की दुकान में आ चुके हैं भाई, आप देख सकते हैं इधर ये। अब हमारी कटिंग शुरू होने जा रही है। मन एकदम से घबरा रहा है। ये पाँच साल का कपाल काट दिया। एक और दिया, पहला शॉट हो गया ये। इतना लंबा लंबा बाल थे, ये घोड़े के जैसे बाल है सालो। सही कह रहा है बंदा, घोड़े के जैसा बाल है। नाजिम इतना छोटा कर दो बाल, इतना छोटा नहीं करना है मेरे को। मुंडन करा दो इसका, मुंडन पकड़े बाल हाथ में। हाँ एक बाल इतना सा बना दिया इसका बाल हमने, जस्ट इतना सा। कटिंग हो रही है, रो रहा है बेचारा। सारा दुनिया खुश हो रहा है आज, इसने बाल काट लिया सारा दुनिया खुश है। हाँ शरीफ लग रहा है, 16 अब दाढ़ी, ये दाढ़ी भी फल गया तो 16 साल का बच्चा लगेगा ये। सो गाइस ये देख सकते हो बाल फेंक दिया मैंने, बिल्कुल मन में पत्थर रखे, दिल पे पत्थर रखे, बाल फेंकना पड़ा। सो अब जा रहे हैं खोले में। तो दोस्त लग रहा हूँ ना झकास, झकास सकते हो, चल चल थोड़ा। तो अब जा रहे हैं हम खोले में, नान दाना है। अरे पैसा अपनी है, ले इतना छूट तो समय है चक्र। सो कौन दी देख सकते हो, रेडी नहाने के लिए। सो गाइस तो हम नहाने जा रहे हैं ऊपर के साइड खोले में, कौन से खोला बोलते हैं उसे, तो ब्यूटीफुल है ना। और वहाँ पे बहुत बड़ी पत्थर है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी, कम से कम एक इमारत से बड़ा, मतलब एक तल्ला जो होता है उससे बड़ी बड़ी पत्थर होती है। आपको बाद में दिखा दूंगा, अभी ये रास्ता है। तो मौसम की बहुत अभी धूप लगी है, मौसम बहुत बढ़िया है, देख सकते हो यहाँ पे ऐसा। ये कहते हैं पोर, क्या बोलते हैं इंडियन में, हिंदी में पोइट बोलते हैं क्या, जो भी हो समझ सकते हो ना आप। तो यही है बात। तो मैं जा रहा हूँ नहाने, नहाएंगे दाएं है कि नहीं। अब बाल बाल कटवाया है, हैंडसम तो लगेंगे थोड़ा भाई। तो बस यही है जिंदगी,
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको मेरा बाल काटना अच्छा लगा, हैंडसम लग रहा हूँ, तो प्लीज गाइज लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसा लग रहा हूँ मैं, क्योंकि 5 साल बाद मैंने अपना कपाल सॉरी बाल फेंक दिया था। तो जो भी है देखते हैं, अब अच्छा लगना चाहिए थोड़ा अब, क्योंकि जल्दी शादी करने वाला है हम, तो शायद हमें भी अगले 2-3 महीने में शादी भी हो सकती है अगर अच्छा रहा तो, अभी तक तो अच्छा ही है। बस वो अभी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो उतना अब उसके हाथ पे है, अगर वो ज़्यादा टाइट कर दे तो शादी नहीं हो पाएगी, मैंने उसे बता दिया है पहले ही। तो देखो अभी है मैंने शादी करने के लिए, तो इसी देख सकते हो थोड़ा काला ब्लैक ब्लैक तो नहीं आ रहा। सो प्लीज गाइस मुझे आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब कर दे। पहले मैंने नेपाली में ब्लॉगिंग कर रहा था, तो पहले मैं नेपाली में ब्लॉगिंग करता था तो सबको समझ नहीं आता इंडियन, मतलब आप जो भी जो हमारे मेरे इंडियन सब्सक्राइबर है तो उनको समझ नहीं आया मेरा भाषा, मतलब नेपाली लैंग्वेज समझ नहीं आया, तो मुझे हिंदी में ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ गाइज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देख सकते हो अभी हम खोले में जा रहे हैं, जब मैं वीडियो इतना लंबा बनाना नहीं चाहता क्योंकि बाल वाला बाल का बाल है तो इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, अब दस पंद्रह मिनट का तक तो बना लूँगा। और कोई बात नहीं, अभी ब्लैक दिख रहा है तो आगे देखेंगे, ऐसे ही चला रहा हूँ एक हाथ से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आपके लिए, विक्स भी बहुत उठा रहा हूँ सकते हो। तो मेरा GoPro दोस्त के साथ छूट गया है यार, देख सकते हो यही है कौन जगह, जो पत्थर जो मैंने बोला था एक बड़का बड़का पत्थर है। सो देख सकते हो पत्थर बड़ा बड़ा बाकी, सो कौन से खुला यही है, यहीं पे नहाना है। देखे दो कपल, कपल भी नहीं बोल सकते क्योंकि भाई बहन भी हो सकते हैं, तो वो लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, हमें नहाना यहीं पे देख सकते हो, बस यही है बाकी तो नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस तो मैंने आज बाल फेंकी थी, तो मैंने आज दोस्त को पार्टी दिया है। सो ये मासू ये रहा दोस्त, उनने कैमरा छोड़ दिया था यार दुकान में, दिक्कत हुई थी, तो अब हम इसको भून रहे हैं। देख सकते हो ये आप किसका मीट है आप खुद ही पता करो, ठीक है, देखो काय की मीट है आप खुद ही पता करो। तो गाइस देख सकते हो इसको हमें थोड़ा इसके ऊपर से तेल लगा के भूनने लग दिया है, देख सकते हो आग भी थोड़ा मज़े है, अच्छी आग जल रही है, तो आप देखते होगे लास्ट तक है ना, खाने में मज़ा आएगा, क्या करें अब बाल तो फेंक दिया, अब उसी दुखी में बोलूँ खुशी में बोलूँ क्या बोलूँ, अब देखें ना उसी के भुलाने के गम भुलाने के लिए मैंने ये लिया है। और दो फ्रूटी वहाँ पे है, फ्रूटी है ना, यही है बात। और यहाँ देखो घर में बारिश होती रहती है, यहाँ पे नहाने के लिए देखा मस्त है, मैंने बोला था ना बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, यही है देखो इससे ऊपर तो और बड़े बड़े पत्थर है, आपको दिखा भी नहीं सकता, मतलब दूर जाना पड़ेगा थोड़ा, मुझे टाइम लगेगा, तो यही है देखो बड़े बड़े, तो वहाँ पे देख सकते हो लोग आए मस्त कर रहे हैं मज़े कर रहे हैं, उधर फूल देख रहे हो ना, थोड़ा तो बारिश की वजह झरने की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ। वहाँ देखो लड़की लोग फोटो वोटो खिंचा रहे आ रहे हैं, तो सीन आज बहुत मस्त है भाई, यही रहा। अभी थोड़ी देर बाद मैं यहाँ आने वाला हूँ, वो झरना उधर है देख सकते हो, वहाँ लेडीज लोग कुछ अपनी फैमिली के साथ आके टिकटक विकटक बनाया है, कोई बात नहीं है, एकदम अच्छी जगह है, कभी आपको आना पड़े या आप कभी सुपर दिवाली आए जा आते हो तो उसी रास्ता पे पड़ता है वो कौन से खोला। तो गाइस यही है,
तो गाइस देख सकते हो, तो हमारा बुना हुआ मीट रेडी है। तो आपको पता नहीं चला होगा अब तक कि ये किस चीज़ का मीट है, तो अभी भी पता कर सकते हो, अगर पता हो तो कमेंट कर लो, ठीक है, किस चीज़ का मीट है। सो गाइस देख सकते हो, रणवीर सिंह जैसा देखा था। सो गाइस जो हमने वो मीट लिया था तो उससे हमने चाउमीन बॉक्स चाउमीन बना लिया। सो देख सकते हो कितनी अच्छी लग रहा है ना। सो यहाँ एक दोस्त के लिए एक जगह, मेरे लिए एक जगह, दो जगह है, दो फ्रूटी है और ये चाट है, इसका पानी है और ये चटनी है। सो अब हमारा नाश्ता का टाइम हो गया है, ठीक है गाइस। ये दोस्त है मेरा, ओके गाइस, हैव सम फन। सो ओके ये अब थोड़ी देर बाद मैं नहाने वाला हूँ, तो नहा के कोई लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा ब्लॉग।